दोस्तों, देसी किचन चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने के लिए जा रहा हूँ, ये रेसिपी है पालक की रेसिपी। सिंपल सी पालक की रेसिपी। पालक का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसे कई प्रकार से बनाया जाता है। आज जो मैं बना रहा हूँ जिस टाइप से, ये बहुत ही सिंपल है और फटाफट बनने वाली। सबसे पहले हमने पालक को लेकर के अच्छे तरीके से उसको धो लेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। धोने के बाद इसे कुकर में डाल करके, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी थोड़ी सी स्टीम लगा के इसे हल्का सा बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप लिया है हमने, नेक्स्ट जो सामग्री लिया है, ये लहसुन ले लिया है। लहसुन के बाद इधर प्याज, प्याज के बाद अदरक को बिल्कुल बारीक काट लिया है, और इधर हरी मिर्ची, और ये टमाटर को भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि बस टमाटर को बारीक काट लेना है, लहसुन को बारीक काट लेना है, प्याज को बिल्कुल बारीक काट लेना है, और अदरक को बिल्कुल बारीक काटना है, क्योंकि हम पीस के नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए कितना पतला पतला हमने काटा है, इस टाइप से बारीक काट लेना है। अब हम इसका जो है सो पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अब जो हमारा ये साग है, इसको हम एक चिमटी के सहारे उठाएंगे। चिमटी के सहारे उठा करके इस टाइप से, और इसको हमें चार में रख देना है। इसी टाइप से हम उठाएंगे इसको और जार में रखते हैं। दोस्तों, हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि साग जिस पानी में बॉयल हुआ था, इस पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशन आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने जो है सो साग का जो है सो पेस्ट बना लिया है मिक्सी में पीस करके। इसको हम एक बर्तन में सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। इसमें कुछ लगा हुआ है, इसको भी अच्छे तरीके से हम निकाल लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया हमने। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमें करना है, तो ये हमने छौंक लगाने के लिए कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें तेल डाला है। तेल में जीरा, ये सरसों, और ये सूखी मिर्च, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें। दोस्तों, इसमें हमने हल्का सा रिफाइन ऐड कर दिया है। रिफाइन ऐड करने के बाद ये ऑलरेडी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम ये मटेरियल जो है सो जीरा, सरसों और लाल मिर्च, ये ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हमें चम्मच से थोड़ा इसे चला देना है। इसको इस टाइप से चला देना है। चलाने के बाद जो नेक्स्ट हमें ऐड करना है, नेक्स्ट हम इसमें जो कटी हुई लहसुन थी, जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था, कटा हुआ गार्लिक इसमें ऐड कर देंगे। गार्लिक के जस्ट बाद जो हमें ऐड करना है, वो बिल्कुल बारीक कटी हुई जिंजर। ये देखिए, बिल्कुल बारीक कटी हुई जिंजर है हमारे पास, इसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चला देंगे। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है, चाहे जीरा हो हमारा, सूखी मिर्च हो, या गार्लिक हो, जिंजर हो। हल्का सा इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही जब लगे उतना हल्का सा फ्राई हो गया, अगर हम बिल्कुल किसी चीज़ को जला दें, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये इसके बाद हम हरी मिर्च जो काट रखा था हमने, एक हरी मिर्च काट लिया था, और एक ही प्याज काटा था, बिल्कुल बारीक। देखिए, बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये प्याज है। इस प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे इस टाइप से। अब प्याज को थोड़ी देर चलने देंगे। दोस्तों, हमने गैस को बिल्कुल धीमा कर रखा है, ताकि हमारा कोई चीज जले नहीं। अब हम हल्का सा गैस को तेज कर देंगे। गैस के फ्लेम को हमने तेज कर लिया है हल्का सा।
दोस्तों इस प्याज के साथ ही हमें अब जो ऐड करना है सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, नमक, नमक जितना हमारे पास साग का मटेरियल है उस हिसाब से हम ऐड कर देंगे। नमक के बाद जो हमें ऐड करना है सबसे मेन चीज और सबसे जरूरी चीज टर्मेरिक पाउडर, किचन किंग पाउडर है ये टर्मेरिक पाउडर, इसको हमने ऐड कर दिया। टर्मेरिक पाउडर के बाद हम हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको तीखा पसंद ज्यादा है तो ज्यादा कर सकते हो, तो मैं तो कम कर सकते हो। इसको डालने के बाद हम इसको चला देंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमने प्याज के बाद मसाला डाला है, मसाला के बाद हल्का सा मसाले को फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही हम इसमें अब जो ऐड करेंगे टोमेटो ऐड करेंगे। टोमेटो ऐड करने का मतलब ये है कि हमारा मसाला जलेगा नहीं। ये सब्जी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन हम सब्जी को सही ढंग से पहले क्या डालना है और बाद में क्या डालें, सब्जी के लिए मसाला मायने नहीं रखता है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम सही चीजें सही टाइम पे डालें तो सब्जी खुद ही टेस्टी बनती है, जरूरी नहीं है हमें ज्यादा मसाला ऐड करने की इसमें। अब हमने इसमें टोमेटो ऐड कर दिया है। टोमेटो ऐड करने से क्या हो गया, हमें इसमें वाटर ऐड नहीं करना पड़ेगा, मसाला हमारा जलेगा नहीं क्योंकि टोमेटो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल फटाफट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है पालक रेसिपी। ऐसे तो कई प्रकार से बनाई जाती है बट एक बार आप इस टाइप से भी बना के देखिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हमें थोड़ा सा इसको इस टाइप से मैश करते रहना है ताकि हमारा टमाटर जो हमने डाला है, टमाटर को हमने ऑलरेडी बारीक काटी है तो ताकि इसे ज्यादा टाइम ना लगे भूनने में। और इससे पहले हमने नमक भी ऐड कर दिया था तो नमक के साथ क्या होता है कि फटाफट जल्दी से ये मिक्स हो जाता है। ये देखिए इस टाइप से हम इसको सब कड़ी कड़ी हमारा मिक्स हो चुका है। दोस्तों बहुत फटाफट रेसिपी है ये। अब हम इसके साथ ही इसमें पालक ऐड कर देंगे और ये जो पालक ऐड किया हमने बॉयल करते टाइम जो पानी बचा हुआ था उस पानी को हमें इसमें मिक्स कर लेना है। बॉयल करते टाइम जो पानी बचा था हमारे पास उस पानी को हमें हमने इसमें मिक्स करके जो हमारे पास लगा हुआ था बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से यूज कर लेना है। दोस्तों साग खाना तो सेहत के लिए भी अच्छा है, अगर इसको सही तरीके से और टेस्टी टाइप का बनाया जाए तो साग बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको कई प्रकार से बना सकते हैं बट ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करना। सूखी मिर्ची डाला है हमने, जिनको तीखा पसंद है मिर्ची बिल्कुल नहीं डाला, तीखा पसंद है वो भी खा सकते हैं इसको, जिनको ना पसंद है वो प्लेन खा सकते हैं, तो दोनों टाइप का टेस्ट है ये। ये देखिए इसमें अब हमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी सी इसे हम आप 5 मिनट तक करीब पकाएंगे इसको। कि इसमें हम थोड़ा सा वाटरी बना रहे हैं इसको क्योंकि हमें पानी के साथ और भी सब्जी हमारे पास सूखी टाइप की मिक्स वेज बनाया था दिन में उसके साथ ही इसको खाना है, तो मक्के की रोटी के साथ इसको हम खाएंगे और दिन में जो मिक्स वेज बनाया था उसके साथ खाना है, तो इसको हमने बिल्कुल बारीक टाइप का, बारीक या पतला ग्रेवी टाइप का बनाया है।
ये देखिए ये पक करके रेडी हो गई है दोस्तों। बहुत अच्छा ये पालक रेसिपी, आप भी एक बार ट्राई करना। अगर आपको ये इस टाइप का फॉर्मूला पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।